नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। खबरों के सफर में हम वो अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका वास्ता सीधा आपसे है, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है, जो सत्ता के गलियारे से लेकर जनता जनार्दन के दहलीज पर अपना असर छोड़ती है। विराट 24 न्यूज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो अपने साफ सफाई के लिए जाना जाता है। मेट्रो स्टेशन पर अगर किसी को थूकते या गंदगी फैलाते पकड़ा जाता है तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर सब कोई हैरान है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या वह युवक ट्रेन की पटरियों पर पेशाब कर रहा है। ट्विटर पर एक यूजर्स ने यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ने लिखा है कि शायद यह दिल्ली मेट्रो में यह पहली बार हुआ है। यूजर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भी टैग किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ट्रेन की पटरियों पर पेशाब कर रहा है। वीडियो बनाने वाले जब पूछा कि तुम यहां क्यों पेशाब कर रहे हो, इस पर युवक ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है कि हो गया, ज्यादा हो गया। वायरल वीडियो प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मेट्रो स्टेशन के अंदर सफाई बनाए रखने की मदद करें। यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशन पर शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई गतिविधि देखी जाती है तो यात्री निकटतम DMRC अधिकारी के संपर्क कर सकते हैं या हमारे 24x7 हेल्पलाइन नंबर पर 1553 या सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर पर 1556 पर संपर्क कर सकते हैं ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 130वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ नहीं बताया है। 10% मिलते रहेगा आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण होने पर EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद अब सर्वणों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलते रहेगा। 3 जजों ने समर्थन के सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने संविधान के 130वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 5वें में 3 जजों ने अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जबकि 2 जजों ने इस पर असहमति जताई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बेंच के जज दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पार्दीवाला ने EWS संशोधन को बरकरार रखा है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदयू यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति व्यक्त की है। EWS संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में निर्णय 3.2 के अनुपात में हुआ है। अदालत ने सुनवाई की तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस कानूनी सवाल पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या EWS आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ में समक्ष दलीलें रखी थी। EWS कोटा संशोधन का विरोध करते हुए उन्होंने इस पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस AS रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पार्दीवाला भी शामिल थे। किसने क्या दी दलील? तमिलनाडु की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नफारे ने EWS कोटा का विरोध करते हुए कहा था कि आर्थिक मांदरा वकीलन आधार नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत को इंदिरा साहनी फैसले पर फिर से विचार करना होगा। यदि वह इस आरक्षण को बनाए रखने का फैसला करता है तो दूसरी ओर तत्कालीन ऑर्डिनरी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के संशोधन पर पुरजोर बचाव करते हुए कहा था कि इसके तहत प्रदान किया गया आरक्षण अलग है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटों को छेड़छाड़ किया बिना दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इसलिए संशोधित प्रावधान संविधान का मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र सरकार ने एक फैसले के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में EWS कोटा कानून को चुनौती देने वाले लंबित मामलों में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि कुछ याचिकाएं दायर की थी। केंद्र ने 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दाखिले और सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।